उसी तरीके से वो विभिन्नता का अभी एक अविभाज्य घटक है, वो है भारत के आदिवासी, यानी भारत के डिफरेंट ट्राइब्स। और आदिवासी अगर हम इनको समझते हैं वर्ड वाइज उसका ये लेते हैं, तो ऐसे वासी भारत के जो बहुत सालों से यहाँ पे रहते हैं। वैसे तो हम भी बहुत सालों से यहाँ पे रहते हैं, लेकिन ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, इसको अभी भी अपने साथ में जोड़ के रखा है। आज भारत में 10%, यानी 10 करोड़ आबादी भारतीय आदिवासी की है। और आपको ये जान के बहुत ताज्जुब होगा कि अगर पूरी दुनिया में आप ये देखते हो कि ऐसे कौन से आदिवासी हैं जो अभी भी कई सालों से वैसे ही रह रहे हैं, तो आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि भारत ऐसा देश है जहाँ पे एक आदिवासी ट्राइब्स ऐसी है कि जो आज से लाखों साल पहले जैसे के वैसे ही रह रही है। भारत का अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आपको पता होगा, वहां पे जारवा नाम की एक ऐसी ट्राइब है, एक ऐसी आदिवासी जमात है जिनका आज तक पूरे दुनिया के साथ में कोई ताल्लुकात नहीं है, जिनको आज भी ये पता नहीं कि खेती कैसे करते हैं, जिनको आज भी ये पता नहीं कि आग नाम की कोई चीज होती है। और ये आदिवासी कई लाखों सालों से वैसे ही रह रहे हैं। कई बार हमने भारत देश के कुछ वहां के फिशरमैन, उन्होंने उनके साथ में कांटेक्ट करने का ट्राई किया, यही नहीं बल्कि डिफरेंट देश से लोग अंडमान निकोबार आते हैं उनको देखने के लिए और उनके साथ कांटेक्ट एस्टेब्लिश करने के लिए। लेकिन उनसे उनको लगता है कि हम लोग कुछ अलग है, और जैसे ही कोई उनके पास में आने का ट्राई करता है वो उन्हें अभी भी उनको लगता है कि हमें धोखा है और उन्हें भी मार डालते हैं। तो इस तरीके से उनके पास जाना, उनको समझाना आज भी हमारे लिए बहुत कठिन है। एक बार इंडियन आर्मी ने उन कुछ आदिवासियों के साथ में कांटेक्ट एस्टेब्लिश करने का ट्राई किया था और उन्हें अपने बस्ती में लेके आए, लेकिन उनकी जो पूरी बॉडी है, जो जीन्स है, वो समुद्र के पानी, मछली और वो प्राणी को उसके ही वो सहन कर सकते हैं, वो ये पर्यावरण को सहन नहीं कर पाए और वो उनको फिर से रिटर्न भेज दिया गया। तो इसी तरीके से भारत जैसी विभिन्नता है, वैसे ट्राइब्स जो है भारत की वो भी बहुत पुरानी है। भारतीय आदिवासी जंगल, और जब जब भारत देश में कई डिफरेंट लोग आए और उन्होंने अपनी सत्ता प्रस्थापित की, तभी ये आदिवासी भारतीय लोगों के साथ में ठाम जो है वो एकदम निष्ठा से खड़े रहे, चाहे वो महाराणा प्रताप हो अगेंस्ट मुगल या ब्रिटिश हो। ब्रिटिश जब भारत में आए और जब उन्होंने अपना जितनी भी संपत्ति भारत की जो जमीन पे अवेलेबल थी वो यूज कर दी, उसके बाद में उनको ये पता था कि भारत की असली संपत्ति भारतीय भारत के जंगल में है, और इसीलिए उन्होंने भारत की जंगल की जो जमीन है उसके लिए एक 1882 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनाया, जिसके तहत उनका जो उनकी जो ये थी मतलब जो पावर्स थे वो फॉरेस्ट पे बढ़ गए थे, और आदिवासी को जो उनकी संपत्ति थी जल जमीन उसके ऊपर ब्रिटिश इंट्रूशन कर रहे थे। और ऐसे ही वक्त में एक वीर की जन्म हुआ जिसको हम धरती पुत्र भी बोल सकते हैं, और उनका नाम था बिरसा मुंडा, जो कि आदिवासी ही थे और जिनका जन्म है वो 15 नवंबर को हुआ था। उसी उन्हीं को सम्मानित करते हुए इस साल 2021 में भारत ने प्राइड ट्राइब डे यानी आदिवासी गौरव दिवस ये प्रस्थापित किया है, और ये इस दिन हर साल मनाया जाएगा। अभी जो बिरसा मुंडा थे वो आदिवासी थे, उनका जन्म बिहार झारखंड के जंगल में हुआ था, लेकिन उनको पढ़ने में रुचि थी तो इसीलिए वो पढ़े, और जब वो स्कूलिंग करने लगे तब उनको पता चला कि ब्रिटिश ने जो ये एक्ट निकाला है जिसकी वजह से आदिवासी को बहुत तकलीफ पहुंच सकती है, वो स्कूलिंग छोड़ के फिर से अपने आदिवासी जो भाई है उनके साथ आ गए और उनको उन्होंने उसके रिलेटेड एजुकेशन दिया और उनको ये बताया कि हमें एकत्रित संगठित होना पड़ेगा अगर हमें अपने जंगल बचाने हैं। और इसीलिए उन्होंने 3 साल ब्रिटिश के खिलाफ एक उलगुलान जिसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन छेड़ा, जिसमें 1000 से ज्यादा भाई बहन उनके साथ में, आदिवासी भाई बहन उनके साथ में थे। अल्टीमेटली जब ब्रिटिश ने हर एक चीज ट्राई की उनको पकड़ने के लिए, देन कुछ भी नहीं हो रहा था, तो उन्होंने सिर्फ 500 रुपए का इनाम रखा उनको पकड़वाने के लिए, और सिर्फ 500 रुपए के लिए किसी ने उनका सही पता बताया और उनको ब्रिटिश ने कैद कर लिया, और ये आंदोलन जो है वो किसी तरीके से उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया। और जब हम आज के दौर में बात करते हैं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो भी जंगल है वो कटते हैं और जंगलों में आदिवासी रहते, तो उनका माइग्रेशन आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा हम सबके लिए बन गया।
आज 50% भारतीय आदिवासी का माइग्रेशन हो गया है। उनके जो पारंपरिक काम थे, खेती करना और वो फल फूल बेचना, वो कम हो गया है और वो भी कहीं शहर में आके बस चुके हैं। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, ये सिर्फ भारत की परिस्थिति नहीं है, आज पूरे देश में भी जो है वो 10% आदिवासी पूरे देश दुनिया में पाए जाते हैं। और इसकी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है वो अफ्रीका खंड के तांजानिया देश में से एक हजोबे नाम की ट्राइब है उनकी है, जो आज के 40,000 साल पहले से हंटिंग यानी हंटर्स के ट्राइब के नाम के जाने जाते हैं। और जब उनका ऐसे हुआ कि उनकी जो जंगल थे वो 90% टांजानिया ने खेती के लिए या अन्य कारण के लिए यूज कर लिए थे, इसके बाद में जो उनके लीडर है, जो उनको पता चला कि अभी मुझे मेरा फॉरेस्ट जो है उसको सेव करना है, तो उन्होंने फॉरेस्ट एक्ट के अंडर वहां पे लोकल अथॉरिटी के साथ में मिलके अपनी जमीन जो है वो कंजर्व किया। और कंजर्व करने के बाद में उन्होंने सिर्फ उसे कंजर्व नहीं किया बल्कि वो जमीन को फॉरेस्ट एक्ट के अंडर कंजर्वेशन के बाद में उन्होंने कार्बन क्रेडिट्स क्रिएट किए, और कार्बन क्रेडिट्स बेच के उनको कई डॉलर्स मिले। वो कई डॉलर से उन्होंने अपने फॉरेस्ट गार्ड्स बनाए जिनके वजह से वो अपने फॉरेस्ट का संरक्षण कर सके। और इसीलिए उन्होंने यूनाइटेड नेशंस ने 2019 में एक इक्वेटर प्राइज अंडर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, इसके लिए उनको वो प्राइज भी दिया। आज दुनिया के हर एक कोने में सबको लगता है कि वो अपने भगवान की संरक्षण करें, उसी तरीके से आदिवासी आज भी उनके लिए भगवान नेचर है, वो नेचर की ही पूजा करते हैं और नेचर से जो भी मिलता है वो उसको प्रसाद समझ के वो अपना गुजारा करते हैं। जैसे कि सर पहले अपने स्लाइड्स में बता दे रहे कि अगर फल भी है तो आदिवासी वो फल के लिए इंतजार करता है कि कब वो जमीन पे गिरे, बिकॉज उनका ऐसा बोलना है कि होता है कि अगर वो जमीन पे गिरा तो मेरा है, तब तक वो नेचर का है और नेचर का ही रहेगा। इस तरीके से उनकी सोच है जो हमारे भी जीन्स में है, जिसको हमें आगे लेके जाना है और नेचर का संरक्षण करना है। एमसीएल ये भली भांति जानती है बिकॉज एमसीएल का फाउंडेशन ही नेचर के लिए हुआ है और नेचर अल्टीमेट पावर है। इसीलिए एमसेल का मिशन है कि हम एक हर एक गांव में, हर एक तालुका में एक ऐसी मूल्य श्रृंखला विकसित करें जो कि पर्यावरण के लिए समर्पित हो, और उसी मूल्य श्रृंखला का नाम है एमसेल बायोफ्यूल एस्टेट प्रोजेक्ट, जो कि ना सिर्फ इंडिया के लिए बट आई वुड से कि पूरे दुनिया के लिए नेचर कंजर्वेशन के लिए एक सोल्यूशन बन सकता है। और इसी प्रोजेक्ट को और ये सोल्यूशन को अच्छे तरीके से समझने के लिए अभी मैं एक ऐसे व्यक्ति को बुलाना चाहूंगी जो सिर्फ ये बोलते नहीं है कि हमें पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, बट उनके वो हमें सॉल्यूशन भी बताते हैं कि किस तरीके से हम ये संरक्षण कर सकते हैं जो इसे